एमपी के रीवा त्योंथर स्थित जनेह के मनिका गांव में बोरवेल के अंदर फंसा 6 वर्षीय मयंक आदिवासी की सांसें आखिरकार थम ही गईं। 46 घंटे की जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मयंक के शव को बाहर निकाल लिया। शुक्रवार की दोपहर 6 वर्षीय मयंक आदिवासी अपने दोस्तों के साथ घर से कुछ ही दूरी पर खेलने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक से हादसा हुआ और वह बोरवेल के अंदर जा गिरा। उत्पन्न हुआ है, पूरा हो गया है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं इनको हम लोग बचाने के लिए। देखिए, ये जो प्लॉट है, जो खेत था, वो प्राइवेट भूमि स्वामी का था। उनके खिलाफ जो संबंधित अग्रिम पार्टी हैं, जो परिवारीजन हैं, उनके द्वारा एफआईआर जो दर्ज कराई जाएगी उसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो उन्होंने बोरवेल को खुला छोड़ा, बोरवेल को भरा हुआ था, तो इस प्रकार से भरा हुआ था कि वो ट्रैप के प्रकार से हुआ कि बच्चे का पांव पड़ा, वो बिल्कुल नीचे चला गया, तो इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।